हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल HP सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर IPS क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो रहेगी दोस्तों, क्या आपके मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, क्या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, जब अपन स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो प्री के मॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। प्री में सबके कम मार्क्स आते हैं दोस्तों, मेरे भी कम मार्क्स आते थे दोस्तों। बट अपन को उससे क्या सीखना है, अपन को ये सीखना है दोस्तों कि चाहे कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए, बट अपन को मॉक देते रहना है। क्योंकि दोस्तों, जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क्स से होता है। ऐसा नहीं है कि प्री में अगर आपके कट ऑफ है 70 और आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर 70 कट ऑफ जा रही है, आपके 70 नंबर आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन है, प्री में सिलेक्शन हो गया। इसलिए प्री के मार्क्स से खुद को जज मत करो। बस आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि चाहे नंबर आपके 45 भी आ रहे हैं, फिर भी आप मॉक देना है आपको, मॉक डेली देना है, कंटिन्यूटी रखना दोस्तों। कंटिन्यूटी से ही सक्सेस मिलेगी। और अभी पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम, फिर भी आपको एक मॉक तो देना ही है। ऐसा नहीं कि पूरी अपनी तैयारी मेंस पर लगा देनी, प्री का एक मॉक तो देना ही है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपके काफ़ी कम मार्क्स आएंगे, और उसको अच्छे से एनालाइज करो और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो। बार बार स्ट्रेटजी चेंज करके देखो कौन सी स्ट्रेटजी से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और वैसे अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो मैंने इस चैनल पर बता रखा, आप वहाँ से देख लेना। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अपन मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, फिर उसमें स्कोर आता है और नीचे टॉप 10 स्कोर आता है, उसको देख के अपन घबरा जाते हैं कि इनके इतने मार्क्स आ रहे तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं निकाल लूँगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों देता हूँ मैं आपको, मेरा खुद का। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी दोस्तों, स्टार्टिंग में मेरे टेस्ट बुक के अंदर 50 मार्क्स आते थे, 50 55 45 इतने आते थे। बट मैं कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ नहीं बन रहे पर मैं वहाँ बना लूँगा। ये मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि एग्ज़ाम मेरा ज़रूर क्लियर होगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में दोस्तों मेरा पहला प्री क्लियर हो गया था। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा बिल्कुल मत सोचो, और मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते रहो, क्योंकि दोस्तों मेंस से सिलेक्शन होगा। और मेंस में भी ऐसा नहीं है कि मेंस में भी आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं कट ऑफ से, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। बट आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि अपन को अपना 100% देना है। तो मेंस की तैयारी भी साथ में करो और प्री की भी साथ में करो। और प्री और मेंस के लिए दोस्तों बहुत आइडियल टाइम टेबल मैंने आज इस चैनल पे बता दिया है अपना, जो मेरा टाइम टेबल था, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। और आज दोस्तों मैं मेंस लेवल DI करवाने वाला था, तो आज से स्टार्ट कर रहा था मैं, बट दोस्तों थोड़ी सी मेरे आई में इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से मैंने आज क्लास नहीं ली। तो कल से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अपन सबसे पहले दोस्तों, तू मेमोरी बेस्ड DI करेंगे। तो 2019 में आई थी ना, और उसके अंदर दोस्तों नोट वाली DI आई थी, तो उसके अंदर बहुत स्टूडेंट फंसे थे। तो वो वाली DI कल अपन मॉर्निंग में करेंगे, और उसके साथ रीजनिंग भी करेंगे। बट आप लोग प्री को भी टाइम देना, प्री का टाइम जो मैंने बता रखा उस टाइम वैसे ही टाइम देना, और ज़्यादा टाइम भी प्री को नहीं देना, दोनों को इक्वल रखो अभी जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ओके, और वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर जरूर करना। और अपने आप को वापस मैं बोल रहा हूँ, प्री के मार्क्स से जज मत करना, आप खुद कॉन्फिडेंस रखना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं एग्ज़ाम तक मार्क्स बढ़ा लूँगा और स्ट्रेटजी चेंज करता रहूँगा, और मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में भी मेरा प्री में सिलेक्शन होगा, और मेंस में भी मैं नंबर लेके आऊँगा। तो ये अपने माइंड में बिठा के रखो दोस्तों। आप इधर उधर की बातों से, या कोई आपका फ्रेंड है उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप उससे भी आप थोड़े डल हो जाते हो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब चीज़ें आप इग्नोर करो, क्योंकि बहुत मैंने स्टूडेंट देखे हैं दोस्तों जिनके प्री में मार्क्स बहुत आते हैं, वो क्या प्री प्री का सेटअप कर रखा है उन्होंने, तो प्री में बहुत 90 मार्क्स आ जाते हैं, 80 नंबर आते हैं, बट मेंस में डब्बा गुल उनका, मेंस में नंबर नहीं आते उनके, ये सच है। बट आप लोगों को क्या करना है कि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है, और प्री में आपको बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं लाने, बस कट ऑफ क्लियर करनी है, बट अपन को ज़्यादा की ट्राई करनी है, ठीक है। तो अपने कम आ रहे हैं तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा आ रहे तो अच्छी बात है, ओके। हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहो, ओके।